हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन तो सब कोई लेता है, और अब जो परेशानी क्या है कि पर्सनल लोन जब लेने जाते हैं तो आप बैंक के हिसाब से जो पेपर देना हो तो दे ही देते हैं, लेकिन ऐसी क्या क्या बातें हैं जब आप पेपर देने जाते तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम ये नहीं बात करने वाले कौन कौन से पेपर लगेंगे, तो आप जब बैंक में जाते हैं तो पता चल जाता है, उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं। और साथ के साथ गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो हम वो टॉपिक पर जाके आपका भी ना समय बर्बाद करेंगे और अपना भी नहीं करना चाहेंगे। आज मेरे साथ सुयश हैं और ये हमारे बैंकिंग सेक्टर से आते हैं, तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जब हम पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं कंसीडर किया जाता है। क्योंकि हमारे यूज़र ने किसी ने पूछा हमसे कि पर्सनल लोन लेते समय हमें किन किन बात की जब पेपर देने जाते हैं तो ध्यान रखने की जरूरत है। तो आज हम पूरा चर्चा पर्सनल लोन पे करेंगे। उसमें एक चीज, आप ये वीडियो जरूर पूरा देखें क्योंकि हम इसमें से क्वेश्चन आज पूछने वाले हैं। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम जो टी शर्ट ये पहन रखा है कैल्विन का, ये टी शर्ट आपके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको कूरियर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें, वो क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में पूछेंगे। तो सुयश, मुझे ये बताएं कि जब मैं पर्सनल लोन लेने जाता हूं तो टेक्निकली मुझे क्या क्या पॉइंट ध्यान रखनी चाहिए, मेरी सैलरी क्या होना चाहिए, क्या मेरे कंपनी का प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की जरूरत है कि पर्सनल लोन क्या होता है। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है यहाँ पे आप कुछ भी मॉर्गेज नहीं कर रहे हैं। ये आपके आपके अर्निंग के ऊपर आपको बैंक लोन। आजकल देखे तो जो बहुत से स्टार्टअप हैं जो लैंडिंग चल रहा है कि सैलरी पे लैंड हो रहा है, सैलरी पे आप जाएं और उसी के बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है। आज की डेट में बहुत तरह के ऐप भी अवेलेबल हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। बिल्कुल, ये आपके सैलरी के ऊपर ही मिलता है। ये लोन आपको आपके सैलरी के ऊपर मिलेगा, और बेसिकली ये लोन आदमी तब लेता है, कोई भी आदमी, जब उसे और कोई लोन नहीं मिलता है। क्योंकि ये बाकी लोन से थोड़ा महंगा होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पर्सनल लोन अवॉइड करें क्योंकि इसकी कॉस्टिंग हाई होगी, और मतलब ये सही भी नहीं होता पर्सनल लोन लेना आपके हिसाब से। देखिए, लोन तो वैसे किसी के लिए सही नहीं होता क्योंकि आप इंटरेस्ट पर पैसा उठाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा लोन है जो आपकी कभी कभी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता है। सपोज कोई आदमी 50,000 रुपये की सैलरी पा रहा, उसे 5,00,000 रुपये की ज़रूरत है, तो ये एक ऐसा लोन है जो बहुत ईजिली 50,000 वाले अर्निंग मेंबर को मिल सकता है। चलिए, तो अब मुझे बताइए कि जब मैं लोन लेने जाऊं तो मैं क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप लोन लेने जाते हैं वही दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सैलरी क्या है, दूसरा आपका प्रोफाइल क्या है। क्योंकि प्रोफाइल का मतलब क्या, प्रोफाइल का मतलब ये होता है, आप ऐसा समझिए इसमें फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय को लोन नहीं मिलता है। अगर इसको क्लियर कट शब्दों में बोला जाए तो प्रोफाइल देखा जाता है कि आप कंपनी में किस रोल पे काम कर रहे हैं, मतलब आप पेइंग कैपेसिटी है क्या है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। पेइंग कैपेसिटी आप कभी कभी देखेंगे कि गार्ड का सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, 40,000 तक सैलरी होती है, लेकिन गार्ड को लोन नहीं मिलता है। यस, तो ये इसमें हमारे लिए बताना जरूरी है, इसलिए प्रोफाइल मैटर करता है कि आप किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। सैलरी तो मैंने बता ही दिया। दूसरी बात है कंपनी, प्रोप्राइटरशिप कंपनी में अगर कोई जॉब करता है उसे पर्सनल लोन नहीं मिलता है। ये लोन केवल प्राइवेट लिमिटेड और LLP में अगर कोई जॉब कर रहा होता है उसे मिलता है, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता है। मतलब उनको अवॉइड करते हैं वहाँ पे रिस्क का रेशियो, देते ही नहीं है। अच्छा, देते ही 99% जो, मतलब 199% है कि नहीं देंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो उनके पॉलिसी के अगेंस्ट वो देंगे ही नहीं। कुछ एक अभी नई NBFCs आई हैं जो कि कंसीडर, ठीक है, मतलब 99% नहीं मिलता, 1% चांसेस है NBFC के थ्रू हो जाए। यस, और साथ के साथ बहुत तरह के भी स्टार्टअप लोग हैं जो दे देते हैं, लेकिन टेक्निकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे बड़े हाउसेस हैं वो इसको अप्रूव नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना कि बैंक आपसे प्रोसेसिंग फ़ी भी चार्ज करता है जब आपको लोन देता है, वो 1-2.5% तक हो सकता है। इसमें तो निगोशिएशन भी चलता है, इसलिए मैंने 1-2.5% बोला। हो सके बैंक आपको 2% प्रोसेसिंग फ़ी बोले, अगर आप अच्छा बार्गेन कर सकते हैं बैंक के साथ में तो 1.5% कमीशन तो आपका भी उसी में होता है ना। नहीं, उसमें कमीशन नहीं होता है हमारा, कमीशन बैंक अलग से देता है, ये बैंक के अपने प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। लेकिन बैंक अलग से कहाँ से, जो कमाएगा उसी में से देगा ना, वो बैंक के कमाने के और भी तरीके होते हैं।
नहीं ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट जनरली क्या होता है? हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो लोन होता है ये वही लेता है जो बाकी लोन जिन्हें नहीं मिलता या वो लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लोन इसीलिए थोड़ा महंगा होता है इन कंपैरिजन टू होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये लोन थोड़ा महंगा होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है 11% से लेकर 22% तक। और ये वेरी इसलिए करता है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, आप कैसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी सैलरी क्या है, तो इन्हीं सारी बातों पे ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि आपको टेन्योर क्या होता है। जनरली मैक्सिमम टेन्योर 5 years होता है। ओके, और उसके ठीक है, और अगर मैं सपोज मैंने लोन लिया और 1 महीने बाद मेरी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो क्या मैं उसको क्लोज कर सकता हूँ? नहीं, पर्सनल लोन में क्या होता है कि मोस्टली, ये भी मैं आपको जनरल बातें कर रहा हूँ, कुछ एक एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं कहीं पे है जैसे एक्सिस बैंक है वो ये अलाउ करता है कि आप 1 महीने बाद भी बंद कर सकते हैं। डिपेंड, हम जो बात कर रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर, स्पेसिफिक नहीं है उसमें, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है ऐसी कोई, तो जनरल बातें, जनरल अगर मैं बोलूं 1 साल के पहले कहीं भी पर्सनल लोन फोर क्लोज नहीं किया जा सकता है। आफ्टर 1 year यू कैन डू फ्रॉम योर ओन फंड्स विदाउट एनी चार्जेस। ओके, तो जनरली ये भी कि कहीं चार्जेस नहीं लगते या कुछ बैंकों में नहीं लगते, जनरली क्या थंब रूल है कि कोई नहीं लेता या ये अगेन जनरल बात है, कोई बैंक अगर आप अपने फंड से उसे क्लोज कर रहे हैं, जैसे अगर आपने 2 लाख का लोन लिया है और आपके पास आ गया है 2 लाख रुपए, तो अगर आप खुद से बैंक को दे रहे हैं पैसा तो आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन इसमें अब एक पॉइंट क्या है, सपोज आपका किसी बैंक ने अप्रूव किया आपका लोन 15% पे, 1 साल के बाद आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसे दूसरे बैंक में ले जाऊँ 11% पे, तो वहाँ पर फिर आपको बैंक चार्ज करेगी एंड दैट कैन गो अप टू 4%। चलो ठीक है, अब मुझे जो है एक सिविल स्कोर क्या होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली? इसके लिए तो सिविल स्कोर मैंडेटरी आपका 700+ होना चाहिए फॉर जनरल नॉर्मल बैंक्स एंड NBFCs। अब उसके नीचे भी मिलता है लेकिन फिर वही बात होगी, वो NBFCs कॉल लेती हैं, लेकिन नॉर्मली 700+ इसका सिविल स्कोर होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत कॉन्क्रीट हो, और जब आप लोन अप्लाई करने जाएं तो ये ऐसे पॉइंट है जिसको आपको पहले ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने अप्लाई किया और रिजेक्शन होता है तो वो सिविल हिट करता है। क्योंकि जब भी आपके लिए सर्च किया है तो सिविल रिपोर्ट अपडेट होती है, उससे आपके पॉइंट कम होते हैं, ये भी होता है। बिल्कुल, तो ये भी अवॉइड रखें। और जो हमने स्टार्ट में बताया था कि हम एक क्वेश्चन पूछेंगे बहुत सिंपल सा, अगर आप उसका जवाब देते हैं तो हम धीरे धीरे अलग अलग तरह के गिफ्ट लेंगे। आज का जो हमारा सवाल है कि अगर आप पर्सनल लोन के लिए जाते हैं तो सिविल स्कोर क्या होना चाहिए, आप ड्रॉप बॉक्स में आप अपना आंसर दें, लेकिन आंसर के साथ एक चीज़ याद रखें, #taxforwealth जरूर यूज़ करें। अगर आपका आंसर जिसका भी सही होगा उसको हम एक टी शर्ट देंगे और आपसे एड्रेस लेंगे और वहाँ पे कुरियर करा देंगे। खैर, ये हमारा जो पर्पस था वो हमारे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप पर्सनल लोन के लिए जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें और उसको कैसे मैच्योरिटी तक लेके जाएं। और साथ के साथ अगर आपकी कोई और क्वेरी हो पर्सनल लोन के रिगार्डिंग, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को हमें बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की, क्योंकि बहुत तरह की इसमें स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू हम थ्रू आउट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई इस तरह की परेशानी हो तो आप ड्रॉप बॉक्स में अपना नाम, नंबर या ईमेल आईडी दें, हम आपसे कनेक्ट होंगे और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट करने। लेकिन ये केवल दिल्ली NCR में ही हम मदद कर सकते, दिल्ली के बाहर है तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते फिलहाल, आगे का हमें पता नहीं। हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, हमें आपको एडवाइस कर सकते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें, साथ के साथ अपने सर्कल में जो होम लोन और पर्सनल लोन या इस तरह की चीज़ों में जाना चाह रहे हैं उनको ये चीज़ ज़रूर बताएं या उनको साथ अपना वीडियो शेयर करें। साथ के साथ हम फायर TV पे भी हैं, ऐप स्टोर पे ही और वेबसाइट पे भी, आप कहीं भी हमें सीमलेस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।